शब्द सार निच। निच पाली भाषा का शब्द यानी शब्द है, मगर आज निच को कोई नहीं जानता, बल नीच को सब जानते हैं। नीच का अर्थ सब इस्तेमाल करते हैं और नीच शब्द बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है और ये बहुत खराब शब्द माना जाता है, बहुत नेगेटिव शब्द माना जाता है, अपमानजनक और गाली सूचक शब्द माना जाता है। इन्फेरिटी या निच होना या डाउन होना या डिप्रेस होना या दलित होना, ये सारे शब्दों का सिनोनिम यानी पर्यायवाची है। मगर पाली भाषा में नीच कोई शब्द नहीं है, पाली भाषा के अंदर निच शब्द है। और निच जो शब्द है वो पाली भाषा के सारे साहित्य में बहुत ऊंचा शब्द है। पहले समझें कि निच शब्द है क्या। ने छोटी की मात्रा, आधा चे और चे, जैसा आप इसमें देख रहे हैं निच। निच का मतलब होता है, जैसे भगवान बुद्ध की एक गाथा में है, अनिच्यवत संखारा। तो यहाँ अनिच्यवत संखारा बेसिकली है क्या, ये बहुत मशहूर गाथा है जो भगवान बुद्ध की है, भगवान बुद्ध की है। इसमें अनिच्यवत संखारा का मतलब है कि निच माने होता है नित्य, नित्य यानी परमानेंट, जो कभी ना खत्म होता हो, जो हमेशा रहता हो, जिसको बाद की संस्कृत भाषा में शाश्वत बोलते हैं, यानी कि परमानेंस यानी परमानेंट। तो परमानेंस जो होता है उसको बोलते हैं निच, नित्य, बाद की भाषा में संस्कृत में नित्य बोलते हैं। और अगर इसमें ए लगा देते हैं तो ये हो जाता है अनित्य, और पाली में इसको बोलते हैं अनिच, यानी कि जो क्षण भंगुर है, जो परमानेंट नहीं है, जो हमेशा बदलता रहता है, जो रुकता नहीं है, हर समय बदलता रहता है, उसको अनिच बोलते हैं। तो यहाँ जो वो कहते हैं अनिच्यवत संखारा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा संखारा है, यानी जो बॉडी के अंदर जो हमारी क्रियाएं चलती रहे हैं, जो कोड हैं हमारे, वो परमानेंट नहीं है, वो बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए उनको कमांड करना चाहिए, उनको कंट्रोल में करना चाहिए। तो यहाँ जो निच शब्द है, निच का मतलब नित्य है, और भगवान बुद्ध ने सारे अनिच को पार करते हुए निच को देखा, यानी जब उन्होंने परमानेंट चीज को देखा, परमानेंस को देखा, जहाँ सब कुछ स्थिर हो गया विपस्ना के थ्रू, और जहाँ कोई क्रिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उस नौवें ध्यान से वो जब वापस आए, तब जाके वो बुद्ध बने। नौवां ध्यान क्या है, आठवां ध्यान क्या है, ये ध्यान जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये ध्यान कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अभी निच की बात कर रहे हैं। तो निच बहुत ऊंचा शब्द है, मगर ये जितने भी भिक्कू और भिक्कुणी थे, जो अर्हत थे, जब ये निच की प्रैक्टिस करते थे, नित्यता की प्रैक्टिस करते थे, परमानेंस की प्रैक्टिस करते थे, इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा ऊपर जाता था, और जितने भी भारत के लोग थे वो उस ज्ञान की देशना सीखते थे, तो उनका ज्ञान बहुत ऊपर रहता था। उन्हीं लोगों को निच कहा गया और बाद में नीच कहा गया। और जब उनके पांच सील चले गए, उनके अच्छे गुण चले गए और उनको खराब गुण दे दिए गए और खराब बातें उनको सिखा दी गई, पांच बातों को उल्टा करके उनको दे दिया गया, तो यही निच शब्द बहुत इन्फीरियर, बहुत डाउन और बहुत बेकार का बन गया, आज के समय में गाली बन गया। जब लोग पंचशील अपना लेंगे तो यही निच शब्द, नीच शब्द निच बन जाएगा, और फिर ये और ऊपर हो जाएगा, अपनी ग्लोरी पा जाएगा। धन्यवाद।